Hello everyone, welcome to Computer Guru Hub. I am Sumit Kumar Nagar. और इससे पिछले वाले ट्यूटोरियल में हमने सीखा था कि मैं अपने विंडोज सर्वर के अंदर WDS कैसे इंस्टॉल कर सकता हूँ. अगर WDS इंस्टॉल करने के बाद मुझे कन्फिगर करना है, कन्फिगर करने से पहले मेरे पास ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. मेरे पास boot.vim और install.vim नाम की दो फाइल्स होनी चाहिए. और ये आपको कहाँ मिलती है? ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की जो ISO इमेज मिलती है उसके अंदर मिलता है. तो सबसे पहले इस वाले ट्यूटोरियल में हम करने जा रहे हैं कि मैं boot.vim और install.vim को कैसे एक्सट्रैक्ट आउट कर सकता हूँ. तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए आप कोई भी स्टैंडर्ड ISO ऑपरेटिंग सिस्टम, ISO का सॉफ्टवेयर हो आपके पास तो उसको यूज कर सकते हैं. अल्ट्रा ISO, पावर ISO, ये है, ये फ्री सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं. तो हम जिस पे काम करने जा रहे हैं वो है अल्ट्रा ISO. तो अल्ट्रा ISO को सबसे पहले आपने अपने सिस्टम में सर्च करना है, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है और उसको कंटिन्यू टू ट्राई करना है. फिर आपने क्या करना है, ये येलो वाले आइकन पे क्लिक करना है, इसको ओपन करना है. फिर ओपन करने के बाद आपके सिस्टम में जहां पर आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के इमेज को स्टोर कर रखा है वो वाली लोकेशन आपने ब्राउज करनी है. तो मेरे सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स है वो मेरी ई ड्राइव में है. तो मैं उसके लिए कहां से जा सकता हूँ, दिस पीसी ई ड्राइव, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम. तो जैसे मैं यहाँ देख सकता हूँ मेरे पास अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो फिलहाल हम चूज कर लेते हैं विंडोज 7 बेस सिस्टम को. विंडोज 7 बेस सिस्टम को मैंने यहाँ से इमेज को सेलेक्ट करना है, फिर ओपन करना है. जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो उसके अंदर वाली जो फाइल्स है वो मेरे पास आ चुकी है. अभी हम इसका रेजोल्यूशन थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिसकी वजह से आप प्रॉपरली देख पाए कि यहाँ पे वो क्या रहा है. तो उसके बाद जो हमें करना है वो सोर्सेज वाले फोल्डर में जाना है और इस पे डबल क्लिक करना है. जैसे ही मैं फोल्डर सोर्सेज वाले फोल्डर में चला जाऊंगा, अब मुझे सबसे पहले क्या सर्च करना है, मुझे सर्च करना है boot.vim यानी कि ये वाली फाइल को. उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक और एक्सट्रैक्ट कर देना है इसको. अगर आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपका एक्सट्रैक्ट ये बता दिया है इसने जो डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स में जो मेरी ISO फाइल्स है उसके अंदर हो रखा. तो आप यहाँ चाहें तो इसको उठा के यहाँ पर सिस्टम पे मूव भी कर सकते हैं. इसको मैं अपने डेस्कटॉप के अंदर भेज देता हूँ. तो ये फाइल क्या हो जाएगी, मेरी डेस्कटॉप के अंदर आ जाएगी और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ मेरी फाइल जो है डेस्कटॉप के अंदर आ गई. तो boot.vim हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है. जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है हमारा install.vim को एक्सट्रैक्ट आउट करना, जो आपकी ISO इमेज होती है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है. तो इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम इसको डेस्कटॉप पे, उसके ऊपर क्लिक करते हैं. इसमें एक्सट्रैक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. अगर आपका सिस्टम थोड़ा सा स्लो है तो ये ज्यादा टाइम कंज्यूम कर सकती है, पर मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो बहुत फास्ट है तो उसमें अब ये प्रोसेसिंग के लिए ज्यादा टाइम नहीं लेगा. तो मेरी जो इमेज एक्सट्रैक्ट हो जाएगी उसके बाद हमने क्या करना है, अब मेरा काम 100% हो चुका है. तो मेरा ISO का काम खत्म हो चुका है तो इसको मैं बंद कर सकता हूं. अब हमने क्या करना है, ये दोनों इमेज यानी कि boot.vim और install.vim अपने वर्चुअल मशीन के अंदर इंस्टॉल, कॉपी और पेस्ट करने. तो मैं यहां से इसको क्या कर सकता हूं, कॉपी कर सकता हूं. फिर अपनी वर्चुअल मशीन को हम ओपन करेंगे और फिर उसके अंदर मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट यहां पर इसको पेस्ट कर सकता हूं. पेस्ट करने के लिए पहले वर्चुअल मशीन के मोड में कॉन्फ़िगर करेगा, फिर उसके बाद एक्चुअल में मेरे सिस्टम पे इसको पेस्ट करेगा. तो ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम ले सकता है. तो अभी ये प्रोसेस जो है जो ज्यादा टाइम ले रहा है, पर क्या होगा, मेरा जो सिस्टम है वर्चुअल मशीन वो इसको डेस्कटॉप पे यहाँ पर पेस्ट कर देगा. तो अभी इसमें टाइम लगेगा. टाइम लगने के बाद ये सिर्फ वेटिंग प्रोसेस है. तो ट्यूटोरियल में अभी आज के लिए इतना ही. इससे अगले वाले ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि मैं boot.vim और install.vim से अपना WDS जो है कैसे कन्फिगर कर सकता हूँ. तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही. थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग.